नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो घर के लिए अच्छा प्लॉट कैसे सिलेक्ट करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने प्लॉट देखा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अच्छे लॉयर से एक बार चेक करना ज़रूरी है। फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, ऐसी थोड़ी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए हम लोगों को। और कोई लिटिगेशन नहीं, कोई बैंक का लोन नहीं, वो भी एक बार चेक करके लेना चाहिए। उसके बाद आता है लोकेशन। तो लोकेशन वहाँ से इजीली सब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट इजीली एक्सेसिबल हो, वो एक बार चेक करना ज़रूरी है। रोड अच्छा हो और गवर्नमेंट की एमिनिटीज जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी और सीवेज कनेक्शन, इसको भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्लॉट का शेप, मतलब साइज़। प्लॉट का रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर प्लॉट फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। और जो लैंडस्केपिंग के लिए भी थोड़ा बहुत जगह रहनी चाहिए बाद में, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से साइड मार्जिन छोड़ के वो अपना बिल्डिंग का प्लान ठीक से उसमें फिट होना चाहिए। और उसके बाद आता है सॉइल क्वालिटी का, मतलब अगर ब्लैक कॉटन सॉइल रहेगा, थोड़ा लूज मटेरियल रहेगा तो फाउंडेशन का खर्चा बढ़ सकता है, उससे बिल्डिंग का भी खर्चा बढ़ेगा। और प्लॉट की लेवल भी एक बार देख लो, रोड लेवल से ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डाउन भी नहीं होना चाहिए, फिर बाद में उसको फिलिंग करना पड़ेगा। कॉस्टिंग पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिल्डिंग का कॉस्ट और प्लॉट का कॉस्ट जो हमने डिसाइड किया है उसमें बजट में बैठना चाहिए। और आप इंजीनियर नहीं तो आर्किटेक्ट को कंसल्ट कर सकते उसके लिए। तो आगे से प्लॉट लेते समय इन बातों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।